हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से पोहे बनने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए पोहा हम बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने पोहा वाला चूड़ा लिया हुआ है और इसको हम अच्छे से दो तीन पानी में इसको धुल लेंगे और पानी इसका मतलब बाहर निकाल देंगे और जालीदार बर्तन में रख देंगे। तो ये देखिए, हमने इसी में धुला है और इसी में रहने दिया, पानी हमारा सारा निकल गया है। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो ये देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। तो चलिए, ऑयल हम डाल दिए, ऑयल हमारा गर्म अब हो जाता है। तो इसमें हम पहले थोड़े से ये मूंगफली के दाने, इन्हें भून लेंगे। तो चलिए, इन्हें हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं और इसके बाद फिर इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से ये भून गए हैं और इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। सारे दानों को हम बाहर निकाल लेंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए, इसी बचे हुए तेल में हम फिर से डालेंगे हरी हुई कटी मिर्च। ये देखिए, हमने हरी मिर्च दो तीन पीस ले लिया, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है। तो चलिए, इसको हम डाल देते हैं और बस थोड़ा सा इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इसमें 5-6 करी लीफ डाल देती हूँ, इसे भी हम थोड़ा सा चटकदार ने देते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम एक बड़ा साइज का प्याज, हमने कट कर लिया है, अब उसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, अब प्याज किसी भी आकार का आपको जो पसंद है आप कट कर सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर अच्छे से इसे हम पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज पक गया और इसमें अब ऐड करेंगे हम पोहा। तो चलिए, हम पोहा ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए, हमारा पोहा ऐड हो गया और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसे दोनों तरफ से चम्मच लगा करके अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाता है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो ये देखिए, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, दोनों चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और इन्हें हम अब थोड़ी देर अच्छे से धीमी आंच पे पकने देंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे भुना हुआ मूंगफली। तो ये देखिए, और इसे डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर हम चला चला करके इसे अच्छे से पकने देंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे पकने में। तो देखिए, कितना अच्छे से बन करके ये रेडी हो गया है। और बहुत टेस्टी भी लगता है, आप नाश्ते में आराम से इसे बनाइए और खाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोहा अब बन करके रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब हम गैस को बंद करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। देखिए, खिला खिला सा बना है, बहुत अच्छा सा, और खाने में भी बहुत टेस्टी है और कम इंग्रेडिएंट्स में भी बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको।